शुरू करना चाहेंगे। आज सुबह हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो पश्चिमी दिल्ली के अंदर पुरानी कपड़ा मार्केट के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ रेडी पट्टी फेरी लगाने वाले लोगों के साथ जो मुलाकात करी और उनकी आवाज में अपनी आवाज को मिलाया और मुख्य मांग उन्होंने की जो थी उसको अपना समर्थन दिया, तो इसके बारे में हम आप सब लोगों को कुछ जानकारी शुरू में अभी देना चाहेंगे। यूपीए के शासनकाल के दौरान हम लोगों ने स्ट्रीट वेंडर्स की लाइवलीहुड प्रोटेक्शन का, रेडी पट्टी वालों की आजीविका के संरक्षण का एक कानून मार्च 2014 में पास कराया था और उस कानून के प्रावधान ये था कि जितनी भी जो भी शहर है उसकी 2.5% की आबादी जितने लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यानी रेडी पट्टी और फेरी लगाने वालों के 2.5% किसी भी शहर के आबादी के जितना सर्टिफिकेट इशू करा जाना चाहिए। उसी अनुपात के अंदर अगर देखा जाए तो दिल्ली अकेले के अंदर लगभग 5 लाख के करीब लोगों को इस प्रकार का लाइसेंस मिल सकता है। तो यह लाइसेंस इतने सब लोगों को मिल सके इसके लिए हम लोगों का प्रयास है। साथ ही साथ में इसमें यह भी प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर अंदर इसके तहत कानून के तहत जो स्कीम नोटिफाई होनी है वो स्कीम नोटिफाई हो जानी चाहिए और वो स्कीम यह निर्धारित करेगी कि टाउन वेंडिंग कमेटी जो इस कानून के हिसाब से सबसे मजबूत इकाई होगी इस पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर, उस टाउन वेंडिंग कमेटी की स्थापना कैसे करी जाए वो स्कीम के अंदर होगी, कैसे जगह ढूंढी जाए वो स्कीम के अंदर होगी। और टाउन वेंडिंग कमेटी इस कानून में प्रावधान ये है कि उसके अंदर 40% लोग जो है वो स्ट्रीट वेंडर रेडी पट्टी वाले खुद होंगे, अपने खुद के इलेक्शन के द्वारा चुन करके वो लोग भेजेंगे। तो इसके अंदर मुख्य मकसद ये है कि किस जगह के ऊपर रेडी पट्टी लगाई जाए, किस प्रकार से उसकी प्लानिंग करी जाए, किस तरीके से कौन कौन सी जगहों को वेंडिंग और कौन कौन सी जगहों को नो वेंडिंग जोन बनाया जाए, कैसे चिन्हित किया जाए कि ये रेडी पट्टी लगाने वाले लोग हैं, सर्वे कैसे कंडक्ट किया जाए, ये सारे का सारा कार्य टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। और उस टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर 40% खुद वेंडर होंगे, रेडी पट्टी वाले होंगे, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग होंगे, ट्रेडर्स उसके अंदर होंगे, ट्रैफिक पुलिस के लोग होंगे, कॉर्पोरेशन के अधिकारी होंगे और ये सब लोग मिलकर के तय करेंगे। तो जब सभी स्टेक होल्डर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बेहतर पालन हो पाएगा हमारे वेंडिंग जोन का, जो कि आजकल कई बार नहीं हो पाता। जब हम लोग खुद हमारे अपने स्ट्रीट वेंडर जो है, अपने खुद जो रेडी पट्टी लगाने वाले लोग हैं उनको हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में जब हम शामिल करेंगे तो वो लोग बेहतर तरीके से इसका पालन करेंगे और बेहतर तरीके से सुनियोजित तरीके से कार्य हो पाएगा। दुर्भाग्य से दिल्ली के अंदर अभी तक ना तो स्कीम नोटिफाई हुआ है, ना 5 लाख में से एक भी व्यक्ति को इसके अंदर से सर्टिफिकेट मिला। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस शासित उत्तराखंड के अंदर और कांग्रेस शासित कर्नाटक के अंदर हमारी ये स्कीम नोटिफाई हो गई है और दिल्ली के अंदर जहां पर हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ये कहकर के आई थी सत्ता में कि वो लोग रेडी पट्टी वालों के लिए कानून बनाएंगे, रेडी पट्टी वालों का ध्यान रखेंगे कि उनसे पुलिस और दूसरे और अधिकारी पैसा ना लें, आज वहीं पर उसी जगह के ऊपर जो कानून पहले से एग्जिस्ट करता है उस कानून को अभी तक यहाँ पे लागू तक नहीं किया जा रहा। जब हम लोगों ने वहां पर लोगों से बात करी तो लोगों ने बताया कि किस प्रकार से अभी भी ये कबाड़ी बाजार के नाम से आप सब लोग जानते हैं जो दिल्ली को यह बाजार लगाया जाता था, अभी भी इन लोगों से डेढ़ हजार रुपया रिश्वत हर रोज की ली जाती है। जिस दिन भी ये लोग बाजार लगाने के लिए कबाड़ी बाजार में जब ये बाजार लगाने जाते हैं अभी भी इन लोगों से पहले से बल्कि ज्यादा कई जगहों के ऊपर भी इन लोगों से उगराई करी जाती है, पैसा इनसे लिया जाता है। तो हम लोगों का ये कहना है कि जो कानून बनाया गया है उस कानून को लागू किया जाए ताकि जो शहर के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी लगभग अगर ये 2.5% अगर आप समझे कि अगर सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उस अनुपात के अंदर हर जगह की अगर 5 लोगों का एक हाउस होल्ड अगर देखें तो शहरों की लगभग 13-14% आबादी
इसके अंदर कवर होगी और 13-14% आबादी शहर में रहने वाले लोगों की इससे सीधे के सीधे प्रभावित होगी और इनडायरेक्ट तरीके से और भी लोग इसके साथ में जुड़े होंगे और प्रभावित होंगे। तो इस मामले को लेकर के राहुल जी जब आज वहां पर गए उन्होंने निर्देश दिया है और हम लोग इसको इस मसले को दिल्ली के अंदर और बड़े तरीके से हम लोग इसको आयोजन करके और इसको हम बहुत बड़े तरीके के ऊपर आगे आने वाले दिनों में हम लोग सड़क के ऊपर उतर करके और हर तरीके से इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे, ये हम लोगों ने फैसला किया है। तो यह मसला हमारा स्ट्रीट वेंडर्स का था जिसके लिए आज हमारे उपाध्यक्ष दिल्ली के अंदर इन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वहां पर गए।